स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज IE 209 का एक टॉपिक है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड है, इसका ये मतलब होता है कि भाई किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस के जो भी मैटर्स हैं अपने पास अवेलेबल, उनमें किसी भी मटेरियल के अंदर किस किस से कंपोनेंट से वो बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर मटेरियल रहते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है। तो जनरली ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो किसी भी सॉलिड या लिक्विड टाइप के या गैस टाइप के जो मटेरियल्स हैं उसको किस चीज़ों से बनाया जाता है उसको फाइंड आउट करते हैं अपन। उसके लिए सबसे पहले उस जो भी एलिमेंट है उसको अपन एक ऐसे कंटेनर के अंदर डिप करते हैं या अपन उसमें फीड करके उसको फिलअप करते हैं। जैसे ये कंटेनर दिखाया हुआ है आपको, ये कंटेनर है जिसके अंदर एक तो मैग्नेट लगी हुई है, पावरफुल मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेरिएबल है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट इज देयर। तो ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लीजिए। उसके बाद एक ये एक जो आपका एक कंटेनर है इसके अंदर आपने कुछ डिवाइसेस लगाई हैं, जैसे ये शो किया हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, आयन रिपेलर है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, फिलामेंट है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन प्लेट्स हैं, फिर ये अनरिजॉल्व्ड आयन बीम है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके ट्रेवल करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो आप जो भी कंपोनेंट जिसका आपको एनालिसिस करना है उसको आप इसमें फिलअप कर देते हैं और उसको आयन्स में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उस पर आके टकराएंगे और वो डिफरेंट आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन देखें यहाँ पर मीथेन है, इसको अगर अपन आयन्स में तोड़ेंगे तो ये इस तरीके के CH4 आयन, CH3 आयन, CH2 आयन, CH आयन, C आयन, हाइड्रोजन आयन एंड H आयन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इन सभी आयन्स का मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये अगर इतने आयन्स के डिफरेंट डिफरेंट मास होने के कारण इसका एनालिसिस अलग अलग तरीके से वर्क करेगा, जिसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास, ये डिफरेंट डिफरेंट आयन के डिफरेंट मास होने के कारण इसका एनालिसिस किया जाता है। अब होता क्या है, इसके अंदर आप ये किसी भी मटेरियल को आप फिलअप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है। बम्बार्डमेंट करने से इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका मटेरियल इसमें भरा हुआ है, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। तो जब वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो इधर जब ट्रेवल करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल वो एक पाथ अडॉप्ट करेगा और यहाँ पर जो है कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके ब्रिज रेक्टिफायर में दे देते हैं और ब्रिज में रेजिस्टेंस का ब्रिज है उसमें देके आप आउटपुट देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म्स। तो एक जो वेव फॉर्म बनेगी दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको कैसे बनेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मासेस के बेसिस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट रेडियस अडॉप्ट करेंगे और डिफरेंट रेडियस को अपन यहाँ पे सेंस करेंगे और उस डिफरेंट एलिमेंट्स को जो अलग अलग आयन्स हैं उनको अपन सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये इसमें नीचे वाले फिगर में दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ से आपका कोई भी सैंपल आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसको हिट किया गया तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो गया और वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस इस मैग्नेटिक पाथ्स, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसमें से पास हो रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी अभी रिलेशन डेवलप करेंगे। इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर रखा जाता है दैट इज 3×10⁻⁶ mm of Hg का प्रेशर रखा जाता है, मींस वैक्यूम प्रेशर है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है दैट इज 70 वोल्ट्स, वो भी वेरिएबल है विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो सर्किट दिया हुआ है उसमें आप वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें लगा रखी हैं, वोल्टेज डिवाइडर्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज, सब चीज़ें इसमें आप लगा रखा है, यहाँ पे लगा रहता है इस कंटेनर के लिए, और फिलामेंट के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई रहती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ा सा, जो भी आयन्स जब ट्रेवल करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल्स टू दी
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसके बराबर है, तो ये वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10^-2 × 10^7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर रहेगी, और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे अंडर रूट 2 × 10^7 ईवी अपॉन एम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये वोल्टेज वेलोसिटी आ जाएगी किसी भी आयन की ट्रेवल करने के लिए इस कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट अपन जो है ये जो किस रेडियस से मूव करेगा, जब ये किस रेडियस को अडॉप्ट करेगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला जनरेट किया अपन ने, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एच ई वी अपॉन टेन। इससे आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और ये वेलोसिटी की जगह आप ये वाला वेलोसिटी जो आपने फाइंड आउट की थी इसको पुट अप करेंगे तो ये रेडियस निकल जाएगा, दैट रेडियस इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, नंबर वन। नंबर टू इज मास अपॉन चार्ज रेशियो। नंबर थ्री इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन तीन के प्रोपोर्शनल ये रेडियस जो है, रेडियस जो अडॉप्ट करेगा कोई भी आयन, वो इसके तीन रिलेशन डेवलप करता है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, जो कि अपन ने 70 वोल्ट्स रखा है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर कलेक्टर पर, ये जैसा दिखाया हुआ है फिगर में, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस अडॉप्ट करेंगे कलेक्टर पर, लेकिन कलेक्टर एक ही रहता है आपके पास, तो अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करके उसी कलेक्टर पर सारे कंपोनेंट्स के आयंस को कलेक्ट कर लेंगे, या फिर मास अपॉन चार्ज रेशियो को चेंज कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज अप्लाइड को चेंज करके इसको अटेन कर सकते हैं, उस सेम रेडियस पर सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ग्राफ बना दिया जाता है जिसको अपन कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाता है ये ग्राफ, ये डिफरेंट डिफरेंट मास अपॉन चार्ज रेशियो है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स डेवलप हो जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर कितनी तरीके कंपोनेंट्स हैं उसका ये ग्राफ बना लिया जाता है, उसके बेसिस पे उस कंपोनेंट को एनालिसिस कर लिया जाता है। इस तरीके से मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा सभी कंपोनेंट्स का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी तरीके के कंपोनेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसकी डिटेल्ड स्टडी आप नेट पर मास स्पेक्ट्रोमीटर डाल के भी कर सकते हैं, और जो मैंने बताया है और जो मैंने समझाया है उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।